सीना तानो, हाँ तान दिया, घुमाओ हाथ तेरी, ये फिर इधर से हाथ तेरी, किस किस वैल्यू रहता है ये? 100 रुपए किलो है केवल, मात्र 100 रुपए किलो। हाँ जैसी भी आपकी जरूरत होगी मिलेगा। ये भाई साहब पड़ेगा कितने का? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का, ठीक है। ये 100 रुपए किलो अपने हाथ से उठा के प्लेट देकर उसको मैं ऐसे पटक के लगा दूंगा। ऐसे ऐसे टुडे का नहीं है, पूरा होम जिम हो गया इसमें ना। हाँ जी पूरा होम जिम, जैसे कि ये तो ट्राइसेप्स का हो गया वर्कआउट। हाँ जी, ना ये थोड़ा ऊपर टाइट करके फीचर का भी हो जाएगा ना। ये वाला डंडा निकालोगे आप, चीज है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी हो जाएगा इसके अंदर। वाह जी वाह, ये इस तरह की एक्सरसाइज है। हाँ जी हाँ जी, बैक की एक्सरसाइज है ना। हाँ जी हाँ जी, मैं इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट, देखो ये आप इंक्लाइन भी कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी, फ्लाई भी कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इंक्लाइन डी, ये अच्छा आई है थाई के लिए। अच्छा ये किस ऐसे प्लेटें लगा दो। हाँ जी, इसमें भी इसमें यानी ये देखते हैं जान कितनी है। हाँ जी हाँ जी, ये इस तरह। हाँ जी हाँ जी, अरे वाह भाई ये कितने बड़े भाई जी। अच्छा ये पिटाई का काम भी बहुत बढ़िया करता है। बहुत बढ़िया जी, सूद देगा बंदे को। 20 रुपए किलो पड़ेंगी आप, 20 रुपए किलो के हिसाब से पड़ेंगे। हाँ, अगर डंबल बनाए तो 20 रुपए किलो के हिसाब से डंबल पड़ जाएगा। ये प्लेटें अच्छी लगी, इसमें ना फील आता है। 5 किलो भी उठाओगे ना तो ऐसा लगता है कि 10 किलो उठाया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, पक्की बात है। हाँ जी हाँ जी, तो भैया जी ये देख लो। हाँ हाँ, पटको पटको। तो भैया 20 रुपए किलो वाली प्लेट है जो कि गेनी, ये बाउंसर डंबल है। इसके अंदर तो मेटल होता है, बाहर रबड़ होती है। अच्छा बाहर देखते हैं। अरे वाह भाई वाह, खेल की होती है। ये वाले डंबल देखो, ये किस पैसे पड़ेंगे भाई जी? ये डंबल करने में और ये डंबल करने में दिन रात का फर्क है। हाँ जी हाँ जी, बैक के लिए ना ये। हाँ जी हाँ जी, ये कितनी पड़ेगी भाई जी? दीवार में फिटिंग हो जाएगा, ये दीवार में लग जाएगा ऐसे। हाँ जी, ये दीवार में लग जाएगा। ये कितने पड़ेगा भाई जी? ये पुलअप बोलते ना। हाँ जी हाँ जी, पुलअप वाला स्टार डंबल बोलते ना। हाँ जी, कौन सा डंबल बोलते हैं? हैश्ता। कौन सा? हैश्ता हैश्ता। ये किस पैसे पड़ेंगे भाई? ये भैया जी, ये जिग जैग रोड जो है ये वाली पड़ेगी आप। रोल जो एप्स की एक्सेस करते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये देखो एप्स रोलर मिल जाएंगे। ये तो भाई 20 रुपए किलो के हिसाब से डंबल तैयार हो जाता है यहाँ पे। ये देखो प्लेटें अंदर है मेरे पास, जिम वाला है जी। ये अरे बहुत बढ़िया करते हो, जानते हो तुम? अरे कहाँ जाने, नहीं करते हो इसका मतलब? अरे नहीं, बहुत पुराना रखने के लिए भी है और ये रोड के रखने के लिए काफी है। अच्छा लो खड़े, कैमरामैन भी खड़े हो जाओ, आ जाओ। यानी टूटेगा नहीं ये? वाह भाई वाह, जैसे मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो, कई एक्सरसाइज है, बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो गई जी, भलाई हो गई, ये ट्राइसेप्स हो गई, ट्राइसेप्स हो गया, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण व्लॉग पे। मैं आपका दोस्त आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको एक बार दोबारा लेके आ गया जहाँ पर जिम का सामान मिलता है बहुत ही सस्ते रेटों पे। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ओखला मोड़ बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ भैया एक मार्केट लगती है जहाँ पर जिम का सामान मिलता है, और करीबन ये काफ़ी लंबी मार्केट यहाँ से शुरू होती है, आगे तक आपको जिम का सामान ही देखने को मिलता है। करीबन 30 से 40 शॉप हैं जो कि जिम का सामान रखती हैं यहाँ पर, और यहाँ आपको बहुत सस्ते रेटों पे सामान मिलता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो भैया अपनी गाड़ी से आएँ, क्योंकि यहाँ मेट्रो स्टेशन काफ़ी दूर है, 2.5 से 3 किलोमीटर मेट्रो स्टेशन पड़ता है गोविंदपुरी का। वहाँ से ई रिक्शा लेकर यहाँ पर आना पड़ेगा, पर सबसे बढ़िया साधन है कि आप अपनी गाड़ी से अपनी बाइक से यहाँ पर आएँ। और मार्केट खुलने का समय 10 बजे लेकर 8 बजे तक है, आप इस बीच कभी भी आ सकते हैं। तो चलो अपनी वीडियो शुरुआत करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई यहाँ चलते हैं, और यहाँ भैया मुझे डंबल देखने को मिल रहे हैं। एक से डंबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सभी प्रकार के, स्टील के भी हैं और ऐसा रबड़ के भी हैं, लोहे के भी हैं, और प्लेटें भी हैं और रॉड भी हैं, और बहुत सी ऐसे आइटम हैं। भैया से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये किस किस प्राइस की हमें यहाँ पे मिलने वाली। भैया जी थोड़ा माइक लगा लोगे ताकि आपकी आवाज़ अब तक साफ हो जाए। बिल्कुल। तो भैया जी ये जो प्लेटें हैं ये किस प्राइस से शुरुआत हो जाती है? सर ये वाली प्लेटें हमारे द्वारा आपको 90 रुपए किलो पड़ेगी। ये तो स्टील की होगी ना? हाँ नहीं, होती है लोहे की। लोहे की होती है? लोहे की होती है, लेकिन इन पर निकल किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये 90 रुपए किलो। हाँ जी, अगर मार्केट से लेते हो तो ये आपको 120-130 रुपए पर केजी पड़ेगा। और मान लो जैसे ये वाली प्लेट है, ये वाली रबड़ की प्लेट आएंगी। हाँ ये कितनी पड़ेगी? ये वाली 20 रुपए किलो पड़ेगी आपको। 20 रुपए किलो के हिसाब से पड़ेगी। हाँ, अगर डंबल बनाए तो 20 रुपए किलो के हिसाब से। हाँ, डंबल पड़ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो ये प्लेटों की डंबल के लिए। हाँ, और ये जो रोड होती है ये किस प्राइस की पड़ेगी लगभग? ये वाली रोड पड़ेगी आपको 600 रुपए की, ये वाली रोड पड़ेगी 400 रुपए की। जोड़ा? हाँ जी जोड़ा। जोड़ा 400 रुपए का, और ये वाली? ये वाला पड़ेगा 300 रुपए का जोड़ा। 300 ब्लैक ग्रिप अलग अलग है, 300 वाला भी मिल जाएगा जोड़ा, 400 वाला और 600 वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। और प्लेट आपको 20 रुपए किलो के हिसाब से मिली जाएगी, ठीक है। और देखते हैं ये प्लेट अच्छी लगी, इसमें ना फील आता है। 5 किलो भी उठाओगे ना तो ऐसा लगता है कि 10 किलो उठाया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। और ये जो रबड़ उठाते हैं ना इसमें वो मजा नहीं आता, वो मजा थोड़ा हल्का रहता है। हल्का रहता है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये जो चीज है इसमें करने में मजा है, ठीक है। और देखते हैं और भैया क्या क्या। भैया ये कौन से डंबल है? ये बाउंसर डंबल है। अच्छा भैया जी ये जैसे मान लो कि 20 रुपए किलो वाली प्लेट ले गया। हाँ जी। ये टूट तो नहीं जाती? नहीं नहीं, खूब तो अच्छी तरीके से पटक दूं। पक्की बात है? हाँ जी हाँ जी। तो भैया जी ये देख लो। हाँ हाँ, पटको पटको।
तो भैया 20 रुपए की वाली प्लेट है जो की गिरने के बाद भी नहीं टूट रही है, सेम ऐसे कैसे है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मात्र 20 रुपए किलो के हिसाब से आपको पड़ेगा मामला। और देखते हैं, और ये जो ये डंबल कौन सा भैया जी? ये बाउंसर डंबल है, इसके अंदर तो मेटल होता है, बाहर रबड़ होती है। अच्छा, बाहर रबड़। ये भी गिरने से नहीं टूटता? नहीं जी नहीं, ये भी गिरने से नहीं टूटता। देखते हैं, अरे वाह भाई वाह। तो ये डंबल है बाउंसर डंबल, ये कितने रुपए किलो के हिसाब से पड़ता है भैया जी? ये वाला पड़ेगा आपको 90 रुपए पर केजी के हिसाब से। 90 रुपए पर किलो के हिसाब से आपको ये डंबल मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ भैया जी ये जो स्टील, ये लोहे के डंबल होते हैं, स्टील के डंबल होते हैं? हाँ, ये लोहे के होते हैं, लेकिन इन पर निकल की हुई है, निकल की होती है। ये वाले डंबल देखो, ये किस पैसे पड़ेंगे भैया जी? ये वाला भी आपको 90 रुपए किलो ही पड़ेगा। 90 रुपए? अच्छा, मानो जो भी इस तरह के आइटम है 90 रुपए किलो के हिसाब से। हाँ जी हाँ जी। चलो और देखते हैं भैया जी, ये या इस ये डंबल करने में और ये डंबल करने में दिन रात का फर्क है? हाँ जी हाँ जी। ये 7.5 का डंबल कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है 15 का डंबल कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप 15 का भी करोगे तो भी कोई फायदा नहीं। चलो और देखते हैं और क्या क्या। अच्छा भैया जी, ये जो बैग के लिए ना, ये हाँ जी हाँ जी, ये कितनी पड़ेगी भैया जी? ये वाली 600 रुपए की पड़ेगी। 600 रुपए की? हाँ जी। ये तो जिम के लिए है या घर में? घर में जिम 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 ओनली जिम के लिए। ठीक है, और देखते हैं और भैया क्या क्या रखते हैं। ये भैया जी यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये रॉप कितनी पड़ेगी भैया जी? ये रॉप, ये 250 रुपए की रोप पड़ेगी। ये ट्राइसेप्स के लिए? हाँ जी हाँ जी। ये 250 की पड़ेगी? हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, और देखते हैं भैया ये भैया ये तो पुशअप के लिए नहीं? हाँ जी हाँ जी, ये चिनअप है। चिनअप, सॉरी, चिनअप वाली। ये दीवार में फिटिंग हो जाएगा? ये दीवार में लग जाएगा ऐसे? हाँ जी, ये दीवार में लग जाएगा। ये कितने पड़ेगा भाई जी? ये वाला पड़ेगा आपको 1000 रुपए का भैया। ये पुलअप बोलते हैं ना? हाँ जी हाँ जी, पुलअप वाला सिस्टम है भाई, दीवार में गड़ जाएगा। और ये भैया जी बता रहे हैं कितने का? 1000 रुपए। 1000 रुपए का, जिसे कुछ कम हो जाएगा नहीं जाएगा भैया जी? हाँ जी हाँ जी, जो भाई आपकी वीडियो देखता आएगा जरूर डिस्काउंट देंगे। अरे वाह भैया। और भैया जी ये तो पुशअप वाला है ना? तो हाँ जी हाँ जी। ये कितने पड़ेगा? ये पड़ेगा 200 रुपए का, मात्र 200 रुपए का। बहुत ही बढ़िया। और देखते हैं और क्या क्या भैया हमारे यहाँ पे रखते हैं। स्टार डंबल भी है। अच्छा, ये स्टार डंबल बोलते ना? हाँ जी। कौन सा डंबल बोलते हैं? हैस्टा। कौन सा? हैस्टा। हैस्टा ये किस तरह पड़ेंगे भाई जी? ये 85 रुपए किलो है। हाँ जी ठीक है भैया जी। और देखते हैं, इनमें भी अंदर मेटल होता है, बाहर रबड़ होता है। अच्छा, और ये जो रॉड है ये भैया जी, ये जिग जैग रॉड जो है, ये वाली पड़ेगी आपको 150 रुपए फुट। 150 रुपए फुट? हाँ जी। और ये जो लंबी वाली है? ये वाली 120 रुपए फुट। 120 रुपए फुट। हाँ, ठीक है। और अरे पंचिंग बैग भैया जी, पंचिंग बैग के हिसाब से पड़ेगा ये 1200 रुपए का पड़ेगा पंचिंग बैग। 1200 रुपए का पड़ेगा जी। और भैया जी ये लटकने वाली रॉड? ये वाली पड़ेगी आपको 250 रुपए की। 250 रुपए की। चलो, और ये बेल्ट भैया जी? 250 रुपए की बेल्ट। 250 रुपए बेल्ट। हाँ, और देखते हैं भैया और क्या क्या रखते हैं इधर। ठीक है, इधर देखते हैं। ये तो भैया वो ट्राइसेप्स के लिए होगी ना? ये तो हाँ जी, ये ट्राइसेप्स के लिए। ये कितनी पड़ेगी ट्राइसेप वाली रॉड? ये 200 रुपए की पड़ेगी। 200 रुपए की पड़ेगी। और भैया जी ये बैक के लिए ना? तो हाँ जी। ये कितनी पड़ेगी? ये 350 रुपए का पड़ेगा। 350 रुपए का। और देखते हैं भैया क्या क्या रखते हैं। ये भैया जी ये क्या चीज़ है? ये पावर क्रिएचर है। अच्छा, ये मोड़ने वाला है? हाँ जी। अच्छा, इसमें यानी ये देखते हैं जान कितनी है। हाँ जी हाँ जी। ये सरा? हाँ जी हाँ जी। अरे वाह भाई, ये कितने पड़ेगा भैया जी? ये 350 रुपए का पड़ेगा। ये तो सारे दिन करते रहो यार ये तो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये पिटाई का काम भी बहुत बढ़िया करता है। बहुत बढ़िया जी। सूद देगा बंदे को। तो भाई अगर आप इसे हैवी भी आता क्या? नहीं नहीं, इससे हैवी नहीं आता। हैवी नहीं आता? ये कितना बताया आपने? 350 350 रुपए। बहुत ही बढ़िया। और भैया ये केबल है ना ये? हाँ जी। जो जिम में यूज होती है वायर, ये किस पड़ेगी भैया जी? ये वाली 50 रुपए मीटर पड़ेगा आपको। 50 रुपए मीटर के हिसाब से पड़ेगा? हाँ जी। वायर भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और देखते हैं भैया क्या रखते हैं। अभी जी ये क्या चीज़ है? ये एप्स रोलर है। अच्छा, रोल जो एप्स की एक्सेस करते हैं? हाँ जी हाँ जी। ये देखो, एप्स रोलर मिल जाएंगे। ये कितने पड़ेगा भैया जी? 350 रुपए का। 350 रुपए का। चलो और देखते हैं और क्या क्या भैया रखते हैं। भैया जी ये मशीनें बाहर आपकी अभी की हैं? हाँ जी। अच्छा, ये देखते हैं ये बेंच प्लेट्स कितने पड़ेगा भैया जी? ये वाला डंबल देखते हैं। हाँ, ये डंबल लेके चलेंगे। ये कितने पड़ेगा बेंच भैया जी? ये वाला पड़ेगा आपको 3200 रुपए का। 3200 रुपए का? हाँ जी। इसमें इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट, देखो ये आप इंक्लाइन भी कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी। फ्लाई भी कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इंक्लाइन डिक्लाइन कोई सा भी कर सकते हैं आपने। ठीक है, और इंक्लाइन डंबल भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और भैया ये नीचे क्या लगा रखा है? ये ऐसा थाई है, थाई के लिए। अच्छा, ये किस ऐसे प्लेटें लगा दो? हाँ जी, इसमें 20 रुपए किलो लेके गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें करते रहो। ये किस प्राइस का पड़ेगा लगभग पूरा बेंच? ये 3200 रुपए का पड़ेगा। 3200 रुपए का। जब आप आएंगे तो कुछ कम भी हो जरूर जरूर जरूर। और ये वाला बेंच भैया, सिंपल वाला? ये वाला पड़ेगा आपको 1800 रुपए का। 1800 रुपए का। चलो ये देखते हैं। ये एक ये वाली मशीन बताओ भैया जी, ये काफी सुंदर लग रही है और आकर्षक भी लग रही है। ये कितनी पड़ेगी? ये पड़ेगी आपको 16000 रुपए की।
पूरा होम जिम हो गया इसमें ना। हाँ जी पूरा होम जिम, जैसे कि ये तो ट्राइसेप्स का हो गया वर्कआउट। हाँ जी, हाँ जी, ये ट्राइसेप्स का हो गया, इसमें बाइसेप ट्राइसेप बाइसेप भी हो जाएगा, नीचे नीचे लगाना पड़ेगा ना बाइसेप। हाँ जी, अच्छा ये तो फीचर भी हो जाएगा। हाँ जी फीचर। अच्छा ये बैठ के देख लें जी, और थाई। हाँ जी जरूर, इसको टाइट करके। हाँ जी, अच्छा ये थोड़ा ऊपर टाइट करके फीचर का भी हो जाएगा ना। ये वाला डंडा निकालोगे आप, हाँ नीचे लगाओगे, हाँ जब आप अच्छा, बाइसेप्स लगाएगा। ये बाइसेप्स का हो गया फीचर, ठीक है। अबे जी ये क्या चीज़ है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी हो जाएगा इसके अंदर। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई, ऑल इन वन वन मैन आर्मी है तो। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है। और क्या क्या भैया जी इसके अंदर? इसमें तुम्हारा एक बाइसेप ट्राइसेप्स हो गया, हाई हो गया, ठीक है। पुली 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 की कोई सी एक्सरसाइज हो गई। ये क्या चीज है भैया जी? ये सिटी ड्राइंग है, बैक के लिए। बैक के लिए कैसे करेंगे इसमें? इसको इस तरीके से पकड़ के। अरे वाह 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 भाई साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी सारी एक्सरसाइज इसी में हो गई घर के अंदर, ये ऐसे लगा के इधर आओ। आप भी मेरे पहलवान हो यार, हैं इधर आ जाओ। नहीं सारी एक्सरसाइज जानते हो आप तो यार। ये इस तरह की एक्सरसाइज है? हाँ जी, हाँ जी, बैक की एक्सरसाइज है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया भाई, ये मशीन मुझे काफी अच्छी लगी। कितनी बताई भैया जिसने? ये वाली 15,000 रुपए की पड़ेगी आपके, वैसे 16,000 रुपए की। वैसे 16,000 की 15,000 ही पड़ जाएगी लास्ट। हाँ, काफी बढ़िया लगा भाई ये बेंच बेंच और ये। हाँ, दोनों ले लेते हो ना तो मतलब यानी कि सारा वर्कआउट आप घर में ही बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल। तो भैया जी आपका शुभ नाम क्या रहेगा? सतीश। सतीश जी आपकी शॉप कहाँ है भाई, थोड़ा बताएंगे कैसे कोई आना चाहे तो कैसे आए? ये है जी अपने शॉप, ये लाल कुआ ओखला मोड़। हाँ जी, और बस्ती लुहार बस्ती। हाँ जी, तो चलो भैया जी काफी अच्छा लगा आपसे। नजदीकी मेट्रो स्टेशन है अपने ये गोविंदपुरी, हमारे 2-3 किलोमीटर दूर रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो काफी अच्छा लगा सतीश जी आपसे मिलके, ठीक है। और देखते हैं हमें इस मार्केट में क्या देखने को मिलता है खास। जैसे कि आप देखते हैं मुगदल पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे अंकल जी हैं भैया, काफी इनकी वीडियो आप लोगों ने पसंद की। तो भैया 2024 के अंदर मैं एक बार दोबारा अंकल जी के पास आया हूँ, और अंकल जी के यहाँ डंबल है जैसे कि बहुत सस्ते प्राइस के मिलते हैं, तो अंकल जी को लगाते हैं माइक और चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो अंकल जी पहले तो ये बताओ ये मुगदल कितने का पड़ेगा? मुगदल बाजार रेट से मेरे पास सस्ता ही पड़ेगा, बाजार रेट से। ये इस तरह की रहता ना? जी जी जी। अच्छा, सीधा करो अपने सीने के सामने। हाँ, सीना तानो। हाँ, तान दिया, घुमाओ। हाँ तेरी, ये फिर इधर से। हाँ तेरी। किस किस वैल्यू रहता है ये? 100 रुपए किलो है केवल। मात्र 100 रुपए किलो? केवल 100 रुपए। अरे वाह भाई वाह, ये कितने किलो का है? ये 7 किलो का, 700 रुपए का। ये 700 रुपए का पड़ेगा, 7 किलो का। अंकल ये बड़े वाला? बड़े वाला 10 किलो का है, उससे आगे 15 किलो का वजन में सब में मिल जाएगा। 10 किलो का पड़ेगा ये? हाँ, जैसी भी आपकी जरूरत होगी वैसे वजन में मिलेगा। ये भाई साहब पड़ेगा कितने का? 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए का, ठीक है। ये 100 रुपए किलो के हिसाब से आप देखते हैं, डंबल कह रहा हूँ, ये मुगदल काफी वजन के 15 किलो का, 7 किलो का, 5 किलो का, हर प्रकार का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। होंगे प्लेटें किस प्राइस, किस क्या प्राइस का? प्लेट मेरे पास रबड़ वाली प्लेट है, वो प्लेट है जो पटकने से टूटेगी नहीं, हाँ, इस्तेमाल करने से फटेगी नहीं। अरे दिखाओ फिर। वो वाली नहीं है कि यार हाथ से गिर, अरे अरे यार इसमें तो कंक्रीट निकल गई, मेरे पास वो नहीं है, साफ माल है। अरे एक आधा पीस दिखाऊंगा जी, एक आधा नहीं दो दिखाऊंगा। दो, क्योंकि आधा पीस कोई है नहीं, टूटी नहीं है ना, प्लेट टूटती नहीं है। टूटेगी नहीं है? नहीं। कितने रुपए किलो क्या प्राइस रहता है इसका? 20 रुपए किलो। मात्र 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो, मात्र 20 रुपए किलो। शुरू से लेकर अभी तक 20 रुपए किलो बेच रहा हूँ, मैं घटा बढ़ा दिया ना। अरे वाह भाई वाह, घटा बढ़ा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 20 रुपए किलो के जाने मैं कह सकता हूँ 20 रुपए किलो के हिसाब से डंबल तैयार हो जाता है। हाँ, तो भाई 20 रुपए किलो के हिसाब से डंबल तैयार हो जाता है यहाँ पे। ये देखो प्लेट है अंकल जी दिखा रहे हैं, जो की टूटती नहीं है। ये प्लेट है मेरी। हाँ, ये प्लेट है मेरी। हाँ, और ग्राहक जब आएगा खुद अपने हाथ से उठा के प्लेट देकर उसको मैं ऐसे पटक के दिखा दूंगा। ऐसे ऐसे टूटेगा नहीं है? टूटेगा नहीं, इसकी देखो पूरी गंदी है भाई साहब। ब्यूटी पार्लर नहीं ले गया? हाँ, ये ब्यूटी पार्लर नहीं ले गया, जैसी थोड़ी वैसी दिखा रहा हूँ। हाँ, ऐसा होता ना पटकने के बाद साफ करके दिखा, नहीं जैसी दिखाई वैसी। 20 रुपए किलो के साथ साथ दे देंगे, केवल 20 रुपए किलो। अंकल जी बड़ा प्यासा ये दिल, इसे मदहोश कर दो। तो डंबल उठे हैं शोले ने खामोश। अंकल जी कलाकार भी आपको बता दूं, ठीक है। तो अंकल जी डंबल के हिसाब से पड़ेंगे ये डंबल, इस समय 60 रुपए किलो चल रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप लोगे वैसे। हाँ, तो 80 रुपए 90 रुपए भी चल रहे हैं। हाँ, मेरे पास 50 रुपए किलो है। 50 रुपए ये गिनने में, ये भी तो ये भी टूटेगा नहीं, यानी कि ऊपर से गिर दो पूरा, टूटने का नहीं है, टूटने का नहीं है, का नहीं है भाई साहब। और ये यही कहेगा कि और फेंक दे यार, मजा आ रहा है भाई, ठीक है। ये 50 रुपए किलो के साथ, 50 रुपए किलो। अच्छा, जैसे हमने अभी ये जो प्लेट देखी थी 20 रुपए किलो, इसकी दौड़ भी आती है ना?
हाँ रोड आती है, रोड कहते हैं डंपल रोड, डंपल रोड। अरे वहाँ लगा रखी अंकल ने, देखो ये रही अलग अलग प्राइस की, ये देखो ये 350 की है, 20 रुपए प्लेट ले ली किलो के हिसाब से। और ये जो है ये इसमें लगाने के लिए ये कितने पड़ेगा? ये वैसे 350 के, लेकिन 300 का दे दूंगा। 300 का ये मिलेगा सेट, जोड़ा जोड़ा ना, दो मिलेंगे 300 के, जोड़ा मिलेगा आपको। ये 400 की दो मिलेगी, ये 400 का दो मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी मैं और कम ही दे दूंगा यार। कम जब आप आओगे तो अंकल जी मान सम्मान करते हैं। वीडियो देख का होगे, कहोगे ना कि मैंने उनका वीडियो देखा, तब ऐसे नहीं दूंगा मैं, चलो पूरे दाम में दूंगा। और देखते हैं अंकल जी, ये जो है ये डंबल, ये बाउंसिंग डंबल बोलते क्या बोलते हैं, बाउंसर, ये बाउंसर है। वैसे इसका रेट 100 रुपए से ऊपर ही ऊपर चले, लेकिन मैं 85 रुपए दूंगा। 85 रुपए, ये भी गिर के देखने, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ गिरो। अरे वाह भाई वाह, मैं भी गिरो और तुम भी गिरो उठ के, वैसे खड़े हो ऐसे कूदो। तो भैया अंकल चेक करा के देते हैं, खास बात तो ये है। अरे भाई है? पहले इस्तेमाल करो फिर पैसे लो, ठोक बजा के बेचते हैं। और अंकल ये वाली जो डंबल है, ये जो इस तरह की होती है, ये भी एक्स्ट्रा है, इसको भी जैसे मर्जी पटको। ये देखो ये किस प्राइस रहता है? ये 80 रुपए किलो केवल, ये 80 रुपए किलो के हिसाब से रहेंगे। ये वाले डंबल पूरा मेटल है, ये अंदर ऊपर रबड़ की कोटिंग है। अरे वाह भाई वाह, कहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं होने का। और देखते हैं और क्या क्या अंकल लगते हैं। अंकल ये रोड किस चीज वैसी रहती है, क्या जिगजॉग रोड आई वाली, ये किस हिसाब से रहेंगी? इसका देखो अभी फिलहाल रेट महंगा चल रहा है। अच्छा, लेकिन मैं 130 रुपए फिट दे दूंगा। 130 रुपए फिट के हिसाब जी। और ये सीधी वाली, सीधी वाली भी इसी रेट में दे दूंगा। अच्छा ये वाली 130 रुपए फिट के, 130 रुपए। बड़ी बड़ी जो होती है, जो ये बड़ी बड़ी, इसमें कोई सी भी आप लोगे, अच्छा 130 रुपए, 130 के हिसाब से जी। हाँ ये देखो, चाहे बाइसेप्स वाली लो, चाहे चेस्ट शोल्डर वाली, कोई सी भी लो, ठीक है आपको 100 रोड होगी मेरी हैवी वाली, 28 mm जो जिम में चलती है। अच्छा अंकल ये जो है पंचिंग बैग किस तरह पड़ेगा? पंचिंग बैग ले जाओ यार, 1200 रुपए का दे दूंगा। वैसे 1200 रुपए का है ये। अच्छा 1200 में आप दे देंगे, कितने भी घूंसे मार लो। अच्छा घूंसा थक जाएगा, ये नहीं थकेगा। चलो और देखते हैं अंकल, जैसे ये रॉड है ये तो हमने ले ली, अब इसके लिए स्कैट के लिए ये आप मशीन बेच रहे हैं, ये किस हिसाब की पड़ेगी ये मशीन? ये स्कोट्रैक तो जिम वाला है मेरे पास, जिम वाला है जी। ये किस हिसाब पड़ेगा? बहुत महंगा बैठेगा। कितने पड़ेगा लगभग? लगभग ये तो आपको 12000 रुपए का मिलेगा। 12, ये स्क्वायर इससे लगा देना, घर के करने के लिए इससे हल्का आता है। हाँ। वो आपको 5-5.5 हजार रुपए में मिल जाएगा, इसे प्लेट लगा के इसमें इसी। अरे बहुत बढ़िया करते हो यार, जानते हो तुम? अरे कहाँ जानते, नहीं करते हो इसका मतलब? अरे नहीं, बहुत पुराना करता था कभी किसी टाइम पे। ये कितने बताया आपने? किसी टाइम अभी तो आ गया, सामने नजर आ गया। कितने पड़ेगा ये पूरी मशीन? ये तो महंगा है, फिर भी एक आईडिया, ये 12000 रुपए का है। 12000 10 में दे दूंगा, 10 में दे देंगे, लटकने के लिए भी है और ये रोड के रखने के लिए काफी है। अच्छा, और अंकल जी ये रनिंग मशीन है, ये चालू है? रनिंग मशीन में भी दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत है। चलो ठीक है, और चालू भी मिल जाएगी। जो मशीन आपको 30-35 हजार की मिलेगी, वो हमारे पास 14-15 हजार रुपए में मिल जाएगी सेकंड हैंड। अच्छा। और ये जो रॉ, ये जो आप बेचते हैं बेल्ट, ये किस किस बेल्ट देंगे अंकल जी? बेल्ट जो है, बेल्ट ये वैक्सीन वाली है। अच्छा, ये वाली कितने पड़ेंगे? 300 रुपए की। 300 रुपए की, और ये वाली? ये 450 की चमड़े की है। चमड़े की अंकल जी, ये जो है डिप्स वाली, ये 200 रुपए का, मात्र 200 रुपए का, कुल 200 रुपए का। अच्छा, आप भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ सरदार। अरे कभी कहीं नहीं जाएगा, नहीं टूटेगा, खड़े हो जाओ। अरे वाह भाई वाह, और इनको भी कर लो खड़े, कैमरामैन भी खड़े हो जाओ, आ जाओ, यानी टूटेगा नहीं ये। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, मात्र 200 रुपए। सॉलिड चीज किसको कहते हैं? अच्छी बढ़िया फर्स्ट क्लास। और देखते हैं और अंकल जी इसमें क्या क्या रखते हैं। अंकल जी ये स्किपिंग रोप क्या रेट पड़ेगा? स्किपिंग रोप 80 रुपए की दे देंगे। ये नहीं रहा, ये 80 रुपए का रहेगा, ये महंगा, ये वाला महंगा, ये महंगा। ये कितने पड़ेगा अंकल जी? ये चलो 200 रुपए का दे देंगे। 200 रुपए का, वैसे तो 450 रुपए का मिलता है वहाँ, 80 यानी 80 से शुरुआत हो जाती है जी। और अंकल जी ये 18 बैंड। अच्छा, ये कितने पड़ेगा? 50 रुपए का कुल, मात्र 50 रुपए, 50 रुपए में गट्टा चौड़ा करो। ये कितने पड़ेगा अंकल जी? ये 250 रुपए का। अच्छा, जैसे मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो, कई एक्सरसाइज है, 12-13 एक्सरसाइज है, बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो गई ठीक है, और ये शोल्डर की हो गई ठीक है, और ये फ्लाई हो गया, आपने पीछे कहीं लगा के कर दिया, कर दिया फ्लाई हो गया, ये प्रेस हो गया, आप ऐसे इसे किसी उसमें लगा देंगे, फ्लाई हो गया, फ्लाई हो गया, ये ट्राइसेप्स हो गई, ट्राइसेप्स हो गया ठीक है, कवर कर सकते हैं ठीक है। ये कितने पड़ेंगे जी? 250 रुपए का कुल, मात्र 250 रुपए, कुल 250 रुपए का, 12-13 सिगरेट पी के फूंक दोगे उतने पैसे में। अंकल जी मैं पीता नहीं वैसे, मैं पीता हूँ सिगरेट, चलो ठीक पीता हूँ। अंकल जी वो बेंच कितने पड़ेगा जो आपके पास बेंच पड़े? बेंच वैसे तो 3500 का है। हाँ, लेकिन आप वीडियो वगैरह देख आएंगे तो हम बहुत ही कम में दे देंगे, बहुत कम में दे देंगे, फिर भी एक आइडिया
आइडिया नहीं, एयरटेल चलाता हूँ मैं, एयरटेल की आइडिया नहीं है मेरे पास। वो चलती नहीं, नेटवर्क बहुत। चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा बता दो कितने पड़ेगा। पड़ेगा तीन के आसपास। तीन का दे देंगे तो एक बार देख लेंगे गली वाली। हाँ देखियो, आपको ये बेंच दे देंगे जिसमें इंक्लाइन डिक्लाइन सभी इंक्लूड है, और साथ में आपको इसमें बार्बर डिस्क भी आपको मिल जाता है, ठीक है, जो कि मात्र आपको 3000 का यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं अंकल से बातचीत करते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। 100 किलो तक वजन आप रख लेना, उस 150 किलो तक वजन कोई दिक्कत नहीं, 150 किलो तक बंदा खून मार सकता है। चलो बहुत बढ़िया, उसमें काफी सारी एक्सरसाइज इंक्लूड है, थाई की भी है, इंक्लाइन डिक्लाइन सभी सारी है, तीनों है, 3000 इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट सीट हो जाएगी। 3000 का आप दे देंगे लास्ट में, 3000 रुपए का दे देंगे, 3000 रुपए में मोदी जैसा सीना बन जाएगा 56 इंच का। अरे अंकल जी, अंकल जी एक बार एड्रेस बता दें थोड़ा, कहाँ पड़ेगा? एड्रेस है मेरा लाल कुआं ओखला मोड़ MB रोड पर, तुगलकाबाद गाँव के पास में। अपना शुभ नाम भी बता दे एक बार। अपना नाम भी बता दे। मेरा नाम पप्पू लोहार है जी, काफी मैं लोहार हूँ, लेकिन लोहे का काम चल नहीं रहा इसलिए जिम का करा है। किस लिए? इसलिए कि मेरे देश का हर नौजवान एक जवान हो, मर्द फर्स्ट क्लास हो। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा अंकल जी आपसे। हर आदमी को जवान बना के छोड़ूंगा। बिल्कुल।